नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र, और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जब तक आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अच्छे तरह से ना समझ पाए समझेंगे तब तक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहला काम है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह समझना। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स सफिशियंट इन नंबर टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का एक सेट है, एक ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का सेट है जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। अभी ये समझ लें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अगर मान लीजिए आपके पास एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, अगर आपके पास एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ऐसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अब हम एक अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे और आपको बताएंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब आप यहाँ ये समझिए कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, आपने देख लिया पार्टिकल, ये पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है? एंगल, ये वाला एंगल थीटा हमेशा चेंज होगा। कभी ये 30 डिग्री का होगा, कभी ये 40 डिग्री का होगा, कभी 60 डिग्री का, कभी 90, कभी 180, कभी 360। तो थीटा चेंज होगा, मतलब अगर आपको इस पार्टिकल को पता करना है कहाँ पास है तो आपको थीटा बता दें तो आप समझ जाएंगे कि पार्टिकल कहाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास सिर्फ एंगल थीटा इसकी इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये है कि उसका अरेंजमेंट, वो कहाँ है। तो एक कोऑर्डिनेट थीटा उसको कम्प्लीटली इस पार्टिकल को की स्टेट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, तो यहाँ पास जो थीटा है यही हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है जिसको हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम ये सोचते हैं, आप यहाँ देखिए, अब हम थ्री डायमेंशन में हैं और हमारी समझ में ये है कि हम एक स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ आप ये जो देख रहे हैं ये एक स्फीयर है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई,
हाँ, तो दोस्तों ये थ्री डायमेंशन में हम एक स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं, एक स्फीयर की, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। अब क्या है कि इस स्फीयर में अगर हम कंस्ट्रेंट कर दें, मतलब फिक्स कर दें कि एक बॉडी जो है सिर्फ स्फीयर के सरफेस में ही घूम सकती है, तो इसका रेडियस तो जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो रेडियस है इसका, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो स्फीयर में घूम रही है। स्फीयर का रेडियस हर पॉइंट पर, स्फीयर के हर पॉइंट पर ओरिजिन से सेम होता है। तो यहाँ पास क्या है, पार्टिकल की अगर स्टेट मतलब पोजीशन पता करनी कि पार्टिकल कहाँ है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम दो एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये वाला एंगल जो ये रेडियस जेड एक्सिस के साथ बनाता है, इसे कहते हैं थीटा, ठीक है। और दूसरा एंगल ये है, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो एक्स वाई प्लेन में जो रेडियस बनेगा सर्किल का, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में जो सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का जो रेडियस है ना, वो रेडियस वेक्टर, वो रेडियस जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं फाई। तो यहाँ पास हमको पार्टिकल की पोजीशन पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स की ज़रूरत है, थीटा और फाई। तो अगर हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं करें जिसमें पार्टिकल सिर्फ एक स्फीयर के सरफेस में ही मूव करेगा, तो वहाँ हमको सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, थीटा और फाई। और इस सिस्टम के लिए थीटा और फाई जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये मिनिमम कोऑर्डिनेट्स हैं जिनसे पार्टिकल की पोजीशन का पता लगता है। तो कि Q1 हो गया थीटा, Q2 हो गया फाई, ठीक है, ये सफिशियंट कोऑर्डिनेट्स हैं इसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए अब हम अपने थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों, थर्ड एग्जांपल में अब आपको ये इमेजिन करें आप कि आपके पास एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, और वो थ्री डायमेंशन में है। कितने डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में। अब ये मान लीजिए जो सिस्टम है आपका ये है, ये यहाँ से फर्स्ट पार्टिकल से लेके ये एंथ पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ और ये है आपका एंथ पार्टिकल। अब दोस्तों एक सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं, मतलब ये एन पार्टिकल सिस्टम है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इसमें डिफाइन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q1 को आप X1 मान लीजिए, Q2 को आप Y1 मान लीजिए, Q3 को आप Z1 मान लीजिए। ऐसे करेंगे आप तो आपको ये सब मिलेगा, और इस प्रकार आपको आखिरी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो XZN, वो Q3N के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमको टोटल थ्री एन टोटल हमको थ्री एन इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्री एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ, ये तो आप समझे, अब आपको बताता हूँ, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो होता है दोस्तों वो थ्री एन डायमेंशनल स्पेस होता है। थ्री एन डायमेंशनल स्पेस को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मगर हम आपको समझा देंगे क्या है, लेकिन और थ्री एन डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि ये थ्री एन डायमेंशन है इसलिए इसका हर पॉइंट में थ्री एन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं हम कैसे, हम कन्फिग्रेशनल स्पेस को ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं कन्फिग्रेशन स्पेस को, मगर आपको एक ड्राइंग बना के समझाते जरूर है। मान लीजिए कि आप, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, ये जो है आपका ये कन्फिग्रेशन स्पेस है बॉक्स के अंदर, ओके, बस मान लीजिए, अपन ड्रॉ तो नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि यहाँ ओरिजिन है,
ठीक है। अब आप ये माने कि यहाँ से यहाँ ये एक पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, हर पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, हर पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में 3n कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पास आप देख रहे हैं x1 y1 z1 से xn yn zn। अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा q1 q2 से लेके। हाँ दोस्तों, तो अगर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में के टर्म्स में बोलें तो हमारे पास q1 q2 q3 से लेके q3n तक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यह सभी कोऑर्डिनेट्स कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पर सिर्फ एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि ये पॉइंट है P। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को हम 3n डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। तो इसमें जो n पार्टिकल सिस्टम है वो 1 पार्टिकल सिस्टम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास जो वेक्टर r होगा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब वह 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर ये तो अब आप समझ गए, मगर अगर वेक्टर r टाइम t पे भी डिपेंड करे, तो फिर वेक्टर r को हम ऐसे लिखेंगे कि ये 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम जब हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात करते हैं, तो जो वेक्टर होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम आपको फोर्थ एग्जांपल बताते हैं अपना। ठीक है, अब देखिए, आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के विषय में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो अब हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअली में आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, एक्चुअली बात तो यह है। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कोई फिक्स नहीं है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या मानना है। अब एक और एग्जांपल है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें हमेशा आता रहता है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब आपको मैं इसको समझाता हूँ ऐसे, देखिए, अब यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस नहीं है, यहाँ हम रियल स्पेस की बात करेंगे, मतलब 2D स्पेस और पोलार कोऑर्डिनेट्स के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर आर जो है ना, मान ली अभी सॉरी, जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये पोजीशन वेक्टर जो है आर, ये 2D वेक्टर है। ठीक है, मतलब ये एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, जो कि हम पढ़ते रहते हैं। और मान लीजिए कि ये सॉरी, और ये क्या है कि q1 और q2 पर डिपेंड कर सकता है कुछ अलग तरीके से, जो कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से अलग है। ठीक है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से अलग है। अब देखते हैं कैसे डिपेंड आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे कैसे डिपेंड करता है, जहाँ जबकि ये आपका जो आर है वो क्या है, जो आपका आर है वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में कोई वेक्टर नहीं है, ये हमारे 2D स्पेस में वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पास दो चीज़ें देखना है, एक तो पोलार कोऑर्डिनेट्स देखना है आपको, और दूसरा देखना है पोलार कोऑर्डिनेट्स देखना है, और दूसरी चीज़ है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आप मान लीजिए कि अगर ये है वाई और ये है अगर एक्स, और अगर यहाँ पॉइंट पी है, तो अगर इसे पोलार कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो इसका रेडियस और इसका एंगल थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इस ये उसके बताएंगे पोलार कोऑर्डिनेट्स। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमको क्या लेना है, एक्स और वाई को लेना है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर के डायग्राम से बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि cos θ = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया cos θ = x / r, तो x = हो गया r cos θ। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स है वो आर और थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपका जो साइन थीटा है उससे मिलता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपको ये देगा तो साफ, आप देख सकते हैं कि वाई जो है वो आर और थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक जगह बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, जो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। अब आपको करना क्या है, देखिए, अब आप यहाँ अगर आप इसको, इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आपको पता चलेगा कि जो आर है, ठीक है, तो आपको इतना मिलेगा, और ये इसकी वैल्यू 1 होती है, और आप देखेंगे कि आर स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हालांकि अभी ये हमारा मेन चीज़ नहीं है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देखिए, अब हम ये मान लें कि अगर Q1 इक्वल टू है R, मतलब ये हमारा फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया, और Q2 इक्वल टू क्या है, थीटा, ये हमारा सेकेंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो X इक्वल टू क्या था हमारा इक्वेशन 1 में, R cos थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि X क्या है, R और थीटा का फंक्शन है, ठीक है। और R को हम Q1 मानते हैं, थीटा को Q2 मानते हैं, तो X क्या हो गया, Q1 Q2 का फंक्शन हो गया। सिमिलरली इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपका ये था, तो Y क्या है, R और थीटा पर डिपेंड करता है। तो R क्या है, Q1, थीटा क्या है, Q2, तो Y भी क्या है, Q1 Q2 का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि कोई भी 2D वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो आपने देखा ये हम वेक्टर कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अब एक्स तो Q1 Q2 का फंक्शन है, और वाई भी Q1 Q2 मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजिशन वेक्टर है वो भी Q1 Q2 का फंक्शन है, और Q1 Q2 कुछ नहीं है, Q1 जो है वो आर है और Q2 जो है थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आर जो है दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर, पोलार कोऑर्डिनेट्स पर किस टाइप से डिपेंड करता है, और हम ये समझ सकते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हमने अभी क्या माना, ठीक है। तो आपको एक जनरल टर्म को अपने माइंड में एक्सेप्ट करना है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स अब हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं जो आपको आपका मोशन एक्सप्लेन करने में इजी हो, जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने में इजी हो। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बस ऐसा ही है, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस आपको ये संवाद समझनी है, मेन चीज़ कि आपके जो Q1 Q2 हैं आपकी कन्वीनियंस के अनुसार, वह जो अभी आप चाहें आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। वो एक जनरल टर्म है जो आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों।